सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो। आज मेरे साथ भाई बैठे हैं जिनका नाम है मोहम्मद सादिर। ये भाई पाकिस्तान से हैं और जितने भी भाई बहन मेरे पाकिस्तान से देख रहे हैं, खास तौर पे ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और ये भाई जो है वो KST में जॉब करते हैं, किचन स्टीवर्डिंग में, जो कि किचन डिपार्टमेंट का ही एक हिस्सा है, जहाँ पर ही हेल्प करते हैं। ये इनिशियल पीरियड होता है किचन में एंट्री का। एक्चुअली जिनको नहीं पता है, जिनको किचन में एंट्री करना है बट उनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है किचन से रिलेटेड, वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे वो किचन में चले जाते हैं, जिनका सपना है। तो भाई बताओ जरा अपने बारे में यार, कि पाकिस्तान से यहाँ कैसे जर्नी हुई और पाकिस्तान में आप किस जगह पर रहते हो? मैं पाकिस्तान में लाहौर में मेरी रहाइश है। ओके। लाहौर सिटी में। वहाँ मुझे ऑलरेडी कुकिंग का शौक था, इस पर्पस के लिए मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ, क्योंकि यहाँ काफ़ी अपॉर्चुनिटी है होटलिंग की, तो इस वजह से फिलहाल में शिफ्ट हुआ। और अभी मैं एज ए किचन हेल्पर यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आई होप सो के जल्दी सीख जाऊँगा और मैं कुकिंग स्टार्ट कर। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पर पाकिस्तान से जब आए हो तो क्या एजेंसी के थ्रू आए हो कि खुद से आपने अप्लाई करा था? नहीं, मैं खुद से अप्लाई किया था। मैं फ्रीलांसर वीज़ा पे यहाँ पे आया हूँ। तो फ्रीलांसर वीज़ा तो आपने फिर पाकिस्तान से खरीदा होगा? जी, खरीदा था। तो वो कितने का पड़ा फ्रीलांसर वीज़ा? मुझे अप्रॉक्सीमेटली सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करके 30,000 में। 30,000 इंक्लूडिंग टिकट 30,000 रियाल में था। 13,000 कतरी रियाल होता है, मैं बताना चाहता हूँ, इसको कन्वर्ट करता हूँ मैं, जो इंडिया से देख रहे हैं वो हो जाता है कुछ 2.5 लाख। जो बांग्लादेश से देख रहे हैं उनका हो जाता है 3 लाख के आसपास। जो पाकिस्तान से देख रहे हैं वो 5 से 6 लाख, 6 से 7 लाख। 6 से 7 लाख जो रेट चल रहा है वो 56 चल रहा है पाकिस्तान का, तो 6 से 7 लाख। आप देख लो, 6 से 7 लाख रुपए लगाओगे तो फ्रीलांसर वीज़ा आपको मिलेगा। काफ़ी लोग सोचेंगे पैसा बहुत है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट होगी, तो 6 से 7 लाख। नहीं, पाकिस्तान की तो बहुत काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है, 6 से 7 लाख। हाँ, पाकिस्तान की बहुत बड़ी अमाउंट है, बट भाई फिर इसका बेनिफिट बताएंगे। क्यों बेनिफिट ये है कि आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। फ्रीलांसर वीज़ा पे आप, अगर आपको एक काम ठीक से नहीं मिलता तो आप किसी और जगह पे मूव हो सकते हैं। हाँ, तो ये मेन अपॉर्चुनिटी होती है। उसके अलावा ड्राइविंग वगैरह का, अगर आप जो ड्रीम है आपका यहाँ पे ड्राइविंग करने का, यहाँ पे आप डिलीवरीज का भी बहुत जॉब है यहाँ पर, तालबात सुनो, तो यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। और मोटा मोटा बता दो आपको सैलरी कितनी मिल जाती है महीने की? मुझे 2500 सैलरी कतरी रियाल, और प्लस अकोमोडेशन प्लस फूड। तो 2500 कतरी रियाल है, एकोमोडेशन कंपनी देता है, फूड भी ऑलमोस्ट कंपनी देता है। जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन नहीं मिलता कंपनी से, तो उस दिन आप खुद ही बना लेते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी खुद के हाथों का भी खाना चाहिए, नहीं तो भूल जाओगे, आप खुद ही बनाना है ना। तो ये 2500 कतरी रियाल की बात करें, जो कि पाकिस्तानी का 1.25 लाख के आसपास बन जाता है। अभी जो रेट चला है उसके अकॉर्डिंगली 1,045.50, 1.5 लाख। डेढ़ लाख। तो देख लो भैया, अगर आप 7 लाख लगा रहे हैं पाकिस्तानी, 6 से 7 लाख, आप 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख पर महीने कमा सकते हो। आपने जो वहाँ खर्चा करा है पाकिस्तान से जो वीज़ा लाने में, वो आप 6 से 7 महीने में चुका दोगे, बट बसरते आपको ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, बट एक बारी आपने ले लिया तो आपको टिके रहना है फिर इस कंट्री में लाजिम कम से कम 5-6 साल तक, ताकि आप यहाँ से कुछ सीख सकें और फिर आपको दूसरी कंट्री में जाना है तो बहुत हेल्प हो जाएगी यहीं से ही, है ना, ये चीज़ है। और फिर आप बताइए कि पाकिस्तान में तो इतनी गर्मी नहीं होती जितनी यहाँ होती है? नहीं, गर्मी सीज़न वाइज होता है, सीज़न वाइज वहाँ पर होता है। हाँ, सेप्टेम्बर से वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे गर्मी का सीज़न है और सर्दी का सीज़न है, वैसे पाकिस्तान में भी है, लेकिन गर्मी ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे पाकिस्तान के अकॉर्डिंग। यहाँ पर गर्मियों का ज़्यादा ही सीज़न होता है, यहाँ पर पेड़ पौधे तो है नहीं जी, बारिश होती नहीं यहाँ पर, कभी कभार होगी अगर तो एक बारी, तो वो भी 2-3 साल में एक बारी हो जाती है। पाकिस्तान में तो छुम बारिश होती है। हाँ, अभी सीज़न स्टार्ट है उधर बारिश का पाकिस्तान। बाकी यहाँ पर रोड वोड आपने देखी होगी तो बहुत अच्छे हैं, रोड बहुत अच्छी, रूल्स रेगुलेशन भी बहुत अच्छे हैं, अगर आप ठीक से चलेंगे तो सब ठीक चलेगा। ये बड़ी सेफ़ और सिक्योर कंट्री है। मैं जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ मेरी कंट्री से, मुझे नहीं पता पाकिस्तान का, बट मेरी कंट्री से तो बहुत सिक्योर है ये।
आप कभी भी आ जा सकते हो, आपको खतरा नहीं रहता। मेरी खुद की कंट्री में खतरा, बहुत से खतरे होते हैं छोटे छोटे, मैं यही नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ जान माल का ही खतरा है। जान माल का खतरा भैया सेठों को होता है, जो सेलिब्रिटी होंगे जिनके पास खूब सारा पैसा होता है, जान माल का खतरा तो उन्हीं को ही होता है, बाकी एक्सीडेंट में कोई भी मारा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं जो सेफ्टी सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे चोरी चकारी, छोटे मोटे दंगे होंगे वो भी नहीं होते हैं यहाँ पर, आप समझ रहे हो, दंगा का दौ भी नहीं होता है यहाँ पर, बस वैसे ही आप जो चीज़ आपने जहाँ पर रखी हुई है वो वहीं पे पड़ी रहेगी, कोई उठाएगा नहीं, कोई उठाएगा नहीं, ये आप समझ सकते हो। हर जगह को सेफ्टी या सिक्योरिटी से कंसर्न से उससे ना लगाएं कि कोई बंदूक लेके घूमता होगा, ऐसा तो नहीं है, अपने मुल्क में भी नहीं होता ऐसे, बट ये छोटे मोटे जो दंगे होते हैं वो नहीं होता है यहाँ पर कंट्री है, क्राइम फ्री कंट्री, क्राइम फ्री कंट्री है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। छोटी मोटी चोरियाँ हर जगह होती है, आप दुनिया के कहीं पर चले जाएं कि भैया किसी साथ वाले ने फ़ोन चोरी कर लिया, पता भी नहीं चला, ऐसा कभी हो सकता है कि आपका फ़ोन कहीं पड़ गया रास्ते में किसी ने उठा लिया, ये लाजिम कहीं भी चले जाओ, आप कितने भी डेवलप कंट्री में चले जाओ इसको आप रोक नहीं सकते। बाकी आप आओ, ट्राई करो, जिनका सपना है आना दोहा कतर में, आइए एंजॉय कीजिए। थैंक यू भाई, थैंक यू।